Assalamualaikum, this is Varda Shoaib and welcome to Rivayaton Ki Lazzat. कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे. एक नए दिन का आगाज़ हमेशा हम कोशिश करते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ों से हो, अच्छी अच्छी बातें हों, अच्छे अच्छे हम कोई काम करें, हम कोई अच्छी अच्छी चीज़ देखें या फिर किचन में हम कुछ अच्छा अच्छा सा बनाएं और अच्छा अच्छा सा अपनी फैमिली को खिलाएं. जब हर चीज़ अच्छी अच्छी करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम ढूंढते हैं कि क्यों ना हमें कोई अच्छी सी नई रेसिपी मिले जिस पे हम काम करें, जो हम अच्छे खुशी से बनाएं और अपनी फैमिली के सामने रखें. तो इसलिए तो हम हैं जनाब आपके लिए. हम भी कोशिश करते हैं, हमारी टीम पूरी कोशिश करती है कि हम डिफरेंट सी, मज़ेदार सी, यूनिक रेसिपीज़ जो हैं, रिवायतों भरी रेसिपीज़ ऑफकोर्स आपके लिए लेके आएँ ताकि आप अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करें और हमें याद करें. इसी तरह का आज का भी शो हमने डिज़ाइन किया है जिसमें हमने बुलाया है एक बहुत ही जाने माने शेफ़ हैं. वो 4-5 स्टार रेस्टोरेंट्स में जो हैं वो एज ए शेफ़ भी काम करते हैं और अब बहुत फेमस हैं अपने खानों को लेके. तो हमने सोचा क्यों ना आज उनको हम अपने शो पे इनवाइट करें और उनसे सीखें कुछ रिवायती खाने बनाना. तो आइए बुलाते हैं शेफ़ रिजवान खान को. अस्सलामुअलैकुम रिजवान साहब. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक. अच्छा शेफ़, आपका बहुत नाम सुना है हमने और आप माशाल्लाह और भी मजीद टीवी चैनल्स पे जो हैं वो जाते रहते हैं और आप अपने रिवायती खानों के लिए बहुत फेमस हैं, राइट? जी जी बिल्कुल. तो आज आप हमें क्या सिखाने वाले हैं? आज हम आपको सिखा रहे हैं मटन हैदराबादी लजीज हांडी. लजीज? अच्छा, लजीज लजीज भी है मटन हैदराबादी हांडी. हांडी तो वैसे ही लजीज होती है लजीज और इसका नाम भी लजीज है तो मेरे ख्याल से ये और ज्यादा मजेदार होगा. मटन का फ्लेवर भी बहुत जबरदस्त होता है. हाँ. लाइक हांडी में मुझे पर्सनली मटन हांडी बड़ी अच्छी लगती है. जी बिल्कुल. और सेकंड रेसिपी क्या है? सेकंड रेसिपी है बनाना लीफ, फिश बनाना लीफ. कभी सुना है बनाना लीफ? नहीं. हम बनाना लीफ तो ऑफ कोर्स आई नो, लेकिन हमारी व्यूअर्स ने शायद ना सुना हो कभी भी कि बनाना लीफ फिश कुछ बन रही है. जी हाँ, इट्स रियली समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक. आपने सिर्फ टीवी के आगे बैठ जाने की बहुत ही मजे की और डिफरेंट रेसिपी बन रही है जो आप आज अपने घर पे बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट? जी बिल्कुल. तो शेफ स्टार्ट करें, ओवर टू यू. चलें जी. अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे? हम करेंगे मटन से, क्योंकि मटन जो है ना हमारे टाइम लेता है. हाँ, मटन गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन फिर भी अगर फ्रेश मटन हो तो बहुत जल्दी गल जाता है. हाँ. राइट? ऑयल लेना है, जरा सा ही ऑयल लेना है, इतना ज्यादा नहीं लेना है ताकि प्याज जो है ना हम इसको डीप कर सकें हल्का. ऐसे प्याज ब्राउन करने के लिए तकरीबन हाफ अ कप. हाफ अ कप उसमें, क्योंकि ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती. अच्छा, मटन हांडी के अंदर जो आप हांडी बना रहे हैं, यूजुअली हांडी में ऑयल डलता है ज्यादा ना? ऑयल भी डलता है और एक चीज और में आपको बताना चाहूँ तो इससे अच्छा और भी है कि हम ऑयल और घी का इस्तेमाल दोनों करें तो उससे खुशबू भी बहुत अच्छी. हाँ. आती है. और अगर देसी घी का इस्तेमाल करें तो वो तो हमने पहले ही बताया है कि हेल्थ के लिए देसी घी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारी बोन्स के लिए. हमारी बोन्स. हाँ. को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है. कम अज़ कम 150 ग्राम अगर ऑयल होगा और 150 ग्राम हम घी का इस्तेमाल करें और 1.5 अदद प्याज. अच्छा, 1.5. 1.5 सही, यानी कि एक बड़े साइज की और एक हाफ आप प्याज ले लें मीडियम साइज की, राइट? छोटी एक प्याज ले लें. अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया घी. तो रिवायती खाने जो है ना घी की जो है ना लज्जत घी से ही खाने बनते हैं. पहले एक दौर था जहाँ पे सब देसी घी का ही इस्तेमाल करते थे, देसी घी में ही खाने बनते थे. ये तो फिर बीच में जो है वो हम लोगों ने छोड़ दिया घी का इस्तेमाल. तो फिर जब हमारी हड्डियों में जो है वो आवाज़ें आना शुरू हो गई कड़क हड्डियाँ बोलती हैं हमारी. जी जनाब, प्याज जो है वो ऑलमोस्ट लाइट गोल्डन ब्राउन होने वाली है. इससे ज्यादा अगर ब्राउन हम करेंगे ना तो काला भी हो जाएगा, कड़वाहट भी आ जाएगी. इस पॉइंट पे आप हमेशा याद रखिए, देखिए बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन जैसे ही हो आप उसमें मटन ऐड कर दें. मटन ऐड कर दें. अच्छा, ये मटन कितना लिया है आपने यहाँ पे? 1 kg. 1 किलो मटन. एक किलो मटन है. 1 किलो मटन के हिसाब से ये मैं बना रहा हूँ. सही. ये आई ऑलवेज प्रेफर कि आप हमेशा रेशो को जहन में रखें. जैसे कि अगर आप 1 किलो या 1/2 किलो के रेशो को जहन में रखते हुए खाने बनाएंगे तो आपसे कहीं ना मसालों की मिस्टेक होगी ना फिर फ्लेवर्स की. ये तकरीबन कोई 3 अदद टमाटर है दरमियाने साइज का. अच्छा, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम इसी में ऐड करेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच. अच्छा, 1 टेबल स्पून यानी. हाँ. 1 टेबल स्पून आपने अलग लहसुन डाला और 1 टेबल स्पून ही आपने अदरक का पेस्ट डाला. सही. और इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, भूनेंगे इसको.
ये हो गया हमारा गोश्त, हमारा बहुत अच्छा कलर आ गया है। हम इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, सही, तकरीबन कोई एक खाने का चम्मच, सब एक खाने का चम्मच होगा। अच्छा। सिर्फ इसमें जो मिर्ची जो ऐड होगी ना वो होगी 2 चम्मच। अच्छा। स्पाइस के लिए। अच्छा, ये जीरा। अच्छा, जीरा पाउडर, ये भी 1 टेबलस्पून दिया है। Right. और ये हमारे पास है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर का इस्तेमाल हम कम करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी कड़वास होती है और थोड़ा सा कलर ज़्यादा तेज देता है, तो ये हम 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और ये है कश्मीरी मिर्च। ये ऑलरेडी तेज होती है। हाँ, ये तो तेज़ होती है। ये हम क्योंकि ये तेज़ इस वजह से होती है क्योंकि इसके अंदर स्पाइस नहीं है, ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए और खुशबू के लिए। खुशबू के लिए। अच्छा, कश्मीरी मिर्च आपने कितनी डाली है? कश्मीरी 2 टेबल स्पून। अच्छा, कश्मीरी 2 टेबल स्पून डाला। हाँ, आपने। और जो हमारे पास जो ये रेड चिल्ली है ये हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। अच्छा, कश्मीरी मिर्च भी आपने 2 टेबल स्पून डाली। हाँ, और ये भी, और रेड चिल्ली पाउडर नॉर्मल वो भी 2 टेबल स्पून डाला आपने। और नमक हस्बे जाएगा, किसी को कितना पसंद है कि कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मसाले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मसाले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हल्का सा भुनाई करेंगे हम। भुनाई करने के बाद हम इसको रख देंगे पकाने के लिए तकरीबन कोई 25 से 30 मिनट तक। अच्छा, ताकि गोश्त भी अच्छे से गल जाए। गल जाए। हम पानी भी ऐड करेंगे। अभी पानी ऐड करेंगे, थोड़े से हम भुनाई कर लें अच्छी तरीके से। ये देख रही हैं आप इसका कलर? हाँ जी, कलर देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर आया है। टमाटर भी जो है वो गल गए। गल गए, सही। अच्छा जी, वक्त हुआ है इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब तक हम कर रहे हैं मटन की भुनाई, आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और फिर बताएंगे आपको कि अगला प्रोसेस क्या होगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और रिवायतों की लज्जत में बन रही है हैदराबादी मटन लजीज हांडी और साथ में बनाना फिश। बनाना लीफ फिश, राइट? ओके जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने जो है मटन को थोड़ा सा पानी डाल के, हमने 1 से 1.5 कप पानी डाला है। हाँ, 1 से 1.5 कप पानी डाल के, 1 से 1.5 कप पानी डाल के मटन को गलने के लिए रख दिया है। उसके अलावा हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया। और अब हम क्या कर रहे हैं शेफ? अब हम बनाएंगे नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, फिश बनाना लीफ। ओके, अच्छा, ये फिश बनाना लीफ है ना, इसके लिए हमको चाहिए होते हैं बिल्कुल फ्रेश। इसकी हम चटनी बनाते हैं खट्टी मिट्टी। अच्छा, खट्टी मिट्टी चटनी होती है, तो उसके लिए आपको फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और फ्रेश मिंट लीव्स चाहिए आपको। अच्छा, इसको हमने बनाना लीफ का नाम क्यों दिया? कि हम इसे बनाना लीव्स भी ऐड करेंगे? जी हाँ। अच्छा, आपने इसमें भी क्या लिया पूरा? इसमें, एक बंच इसमें, आपने इसमें 2 बंच हो गए। अच्छा, और ये 3। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, ये हम लेंगे इसमें 4 बंच लेंगे। अच्छा अच्छा, ये फिश कितनी है हमारी? फिश फिलेज यूज कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये तकरीबन कोई 400 ग्राम है, 5 पीस हैं। इसके लिए जो है ना हम 4 बंच जो है ना हम कोरिएंडर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब धनिया फ्रेश बिल्कुल। ओके, तो इसमें तो बहुत ज्यादा ये प्रॉपर एक हरी जैसे आप चटनी बनाते हैं हम उस तरह से आपने। अच्छा, आप रफली चॉप कर रहे हैं इसको? बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, यानी कि हमने ये देखें कि हमने इसमें जो है ना तकरीबन कोई 4 बंच डाला धनिया का। अब धनिया के बाद जो है ना हमने ये पूरा बंच पुदीना का नहीं डालना। इसकी वजह ये है कि पुदीना जो है ना एक तो चटनी को काला करता है, सही, दूसरा कड़वास भी पैदा करता है। तो इसके लिए जो है ना हमको तकरीबन चाहिए हल्का सा, थोड़ा सा नहीं, हाफ से भी कम। अच्छा, हाफ से भी कम, हाफ से भी कम, हाफ से भी कम। इसको आप डंडियों से मैट डाल देंगे। सही, वैसे पुदीने की डंडियां भी जो है वो खाने के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, आपकी डाइजेशन के लिए, आपकी बाउल प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो बहुत अच्छी रहती हैं। सही, देखें हमने सारा इसके लिए डाल दिया। अब नेक्स्ट चीज जो है ना हम इसमें डालेंगे रेजन। ओके, किशमिश। ओहो, अच्छा, जो आप मिठास इसमें किशमिश से आएगी, किशमिश से मिठास इसमें हमने। ये किशमिश हमने तकरीबन कोई 150 ग्राम 150 ग्राम किशमिश, और हरी मिर्च तकरीबन थोड़ी स्पाइस के लिए। अच्छा, हरी मिर्च आपने पतली और पतली वाली हरी मिर्चें इस्तेमाल करनी है। हाँ, इसमें जो कि स्पाइसी होती हैं। हाँ, राइट? और कितनी यूज़ करनी है हमने? हमने तकरीबन 6 हरी मिर्चें स्पाइस के लिए यूज़ करी हैं, मगर आप एज पर योर टेस्ट डाल सकते हैं इसमें। और इसमें 3 अदद जो है ना हम लहसुन डालेंगे इसमें। सही, और इसके बाद हम डालेंगे खोपरा क्रश किया हुआ।
अच्छा ये आप डेसिकेटेड कोकोनट जो होता coconut है ओके डेसिकेटेड कोकोनट आप इसमें ऐड कर रहे हैं कितना तकरीबन कोई ये 150 ग्राम ये भी 150 ग्राम ओके इसका भी अपना एक फ्लेवर है अच्छा इट सीम्स लाइक अ साउथ इंडियन रेसिपी राइट साउथ इंडियन और दूसरा जो है ना ये पारसी डिश है वैसे अच्छा ये पारसी डिश है ओके ये बहुत फेमस है हमारे होटल की अच्छा जबरदस्त चलें जी आपको आज जो है वो हम एक फेमस रेसिपी जो है वो सिखा रहे हैं बनाना अब हम उसको जाते हैं ब्लेंड करने के लिए अच्छा इसको हम ब्लेंड कर लेंगे सब उसमें अच्छा आप मिट्टी की हांडी में अगर दाल गोश्त ही बनाएंगे ना सिंपल तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और जायका बड़े मज़े का आपको डिफरेंस आपको फील होगा कि पतीली में बनाया हुआ दाल गोश्त और मिट्टी की हांडी में यह हमारा हो चुका है रेडी हो गई है अमूमन हर सब घर पे फिश लाते हैं तो पहले नमक का टेस्ट जरूर डालते हैं ताकि जितने तौर पर इसमें टेस्ट आ जाए टेस्ट आ जाए सही ये नमक डाल दिया हल्का सा लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे इसमें ओके ताकि खटास इसमें के अंदर आ जाए सही अच्छा इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ा सा लेमन जूस और नमक लगा के हम मिक्स कर लेंगे और हो सकते तो अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खानी है नहीं तो लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर चटपटा ज़्यादा पसंद करते हैं आप पसंद तो अभी इस पॉइंट पे आप इसमें लाल मिर्च जो है वो ऐड कर सकते हैं ये हो गया डन अब हम उस मसाले को निकालते हैं अच्छा इससे पहले हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि हमारे मटन की क्या पोजीशन है हाँ जी ये देखें वाओ मटन का कलर कितना अच्छा है हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा टमाटो पेस्ट अच्छा टमाटो पेस्ट ही आपने नॉर्मल कैन वाला टमाटो पेस्ट लिया है सही टमाटो पेस्ट कैन वाला यह तो आपके पास ग्राइंडर मशीन है तो उस टमाटो को पेस्ट करके अच्छा, थोड़ा सा पका लो उसको अलग सा सही यानी कि घर पे भी ब्लेंड करके आप उसको बना सकते हैं ठीक है तो ये हमने तकरीबन कोई दो चाय के चम्मच टमाटो पेस्ट ऐड किया वैसे टमाटो पेस्ट से भी जो है वो ग्रेवी में एक बहुत अच्छा सा रेड कलर आ जाता है और थोड़ी थिकनेस भी आ जाती है उसकी वजह से इसको हल्का सा जो है ना इसको मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे दही कितना है आपके पास दही तकरीबन कोई हमारे पास है एक चाय का चम्मच और एक चाय का जो है ना कप होता है ना छोटा वाला बिल्कुल दरमियाना वो नहीं 1/4 कप आप कह सकते हैं 1/4 कप दही हम इसमें ऐड करेंगे ये दही फिटा हुआ दही ठीक है वो चला गया इसमें थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे इसमें गरम मसाला गरम मसाला पाउडर गरम मसाला हद से ज्यादा जरूर 1/4 टीस्पून डाला है यहाँ पे हमने 1 किलो में 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाला है यहाँ पे पाउडर और गरम मसाला हम एक और जब डिश आउट करेंगे ना उससे पहले भी डालेंगे अच्छा तो इस वजह से हमने गरम मसाले पे हल्का हाथ रखा है कि डिश आउट करने के बाद भी हम इसमें मसाला ऐड करेंगे अच्छा अभी हम क्या करेंगे अभी हम फिश को मैरिनेट करेंगे ओके अच्छा बस मैरिनेट करने के बाद फिर हमें कुछ करना है इसमें और कुछ भी नहीं करना नहीं और कुछ भी नहीं करना है फिर हमने फिश जो है ना बनाना लीफ में हमने उसको करना है अब ये देखें हमारे पास आ गया अच्छा जी ओके अच्छी खासी प्रॉपर जो है वो चटनी जो मसाला है ग्रीन मसाला जिसे हम कह सकते हैं वो रेडी हो गया है हमारे पास अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा मैदा अच्छा मैदा मैदा किस लिए जमाने के लिए पकड़ जाएगा ना बाइंडिंग के लिए हाँ। इसको ताकि मसाला जो है वो फिश पर तरीके से लग जाए मसाला वरना अब हमने इसमें जो है ना पानी का इस्तेमाल किया तो इस वजह से हमने मैदा इसमें ज़्यादा थोड़ा सा डालना है मैदा कितना ऐड किया आपने यहाँ पे जैसा कि हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया ना तो 1 कप मैदा हमको चाहिए अब हम इसमें 1 अदद अंडे का यूज़ करेंगे और हम इसमें इमली का पानी ओके इमली का पेस्ट है ये इमली का पानी समझ लो ये अच्छा। जैसे बिल्कुल लिक्विड नहीं होता ये अच्छा ठीक इमली का पल्प आप इमली का पल्प हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर ओके जी ये कितना है हमारे पास हमारे पास जो है ना तकरीबन कोई ये भी ऐसा है कि 1 खाने का चम्मच ओके 1 टेबलस्पून इमली का पल्प वो ऐड करा अरे बहुत अच्छी सी खट्टी मीठी टाइप की जो है वो फिश बनेगी और फिर
इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स ऑलराइट जी, जब तक जो है वो हम करते हैं यहाँ पे फिश को मैरिनेट, आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि रिवायतों की लज्जत में बन रही है बहुत ही मजेदार सी रिवायती रेसिपीज। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत और हम बना रहे हैं लजीजा हैदराबादी मटन हांडी। राइट, अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम जो है वो फिश को मैरिनेट कर रहे थे। ये जो हमने ग्रेवी बनाई थी, ग्रीन कलर का जो मसाला बनाया था उसमें हमने फिश को डाल के मैरिनेट कर दिया था और अब हम पहले मटन हांडी को फाइनलाइज कर लेंगे जी हाँ, फिर आपको बताएंगे कि फिश को क्या करना है। अब इसमें हम डालेंगे क्रीम, डाल देंगे इसमें फ्रेश क्रीम होता है मिल्क पैक या कोई भी कंपनी का। हम यूजली टेट्रा पैक की आप कोई भी जो है वो फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। वो कितनी डालेंगे हम? वो तकरीबन एक खाने का चम्मच और उसके बाद हम गरम मसाला और ऐड करेंगे इसमें। अच्छा जी, एंड में जो हमने कहा था गरम मसाला हाफ अ टी स्पून गरम मसाला, गरम मसाला और नमक, यह हमारा हो गया फाइनल। अब थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। अच्छा, एंड में लेमन जूस भी जाएगा इसमें। ओके, 1 टेबलस्पून के करीब आपने लेमन जूस डाला। हाँ तकरीबन। अच्छा, ये क्रीम इस तरह से हम ऐड करेंगे इसमें तो इसमें लम्स तो नहीं पड़ेंगे क्रीम के? अब इसको हल्की सी बुनाई करके हम 5 मिनट के लिए और छोड़ देंगे इसको, दम पे रख देंगे, दम पे रख देंगे, फिर हम डिश आउट कर देंगे इसमें। अब हम चलते हैं फिश की तरफ। अच्छा, कोरिएंडर लीव्स हम अभी नहीं डालेंगे, वो एंड में गार्निशिंग के लिए हम यूज करेंगे। अच्छा जी, अच्छा, यह हमारा तेल गरम हो चुका है, अब इसका एक स्टेप मैं बताता हूँ आपको। अच्छा जी, जी शेफ बताइए कैसे करना है। अब ये देखिए केले का जो पत्ता है ना हमारे पास, ये लीव, अगर हम इसको लपेटेंगे या धागा इस पर लपेटेंगे बांधेंगे तो ये फट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, क्रैक आ जाएगा इसके अंदर। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं आपके लिए चूल्हे के ऊपर। चूल्हे के ऊपर, अच्छा, देखें अब ये देखें किस तरीके से ये थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है, हल्का हल्का। अगर आप घर में करेंगे तो आपको फील होगा बिल्कुल हल्का हल्का से जो है ये श्रिंक हो रहा है आपस में। अच्छा, जबरदस्त, दैट्स अ नाइस स्टेप कि आप उसको। अच्छा, इसमें आप फिर बनाना लीव्स में तो फिर आप मिंट्स भर के भी कुछ और बना सकते हैं, राइट? वाओ, ये हमारे पास। अच्छा जी, और ये देखिए फिश का, हमने एक फिश फिले का हमने एक स्लाइस लिया और उसको हम रख दे, और इसकी जो चटनी है वो उसके ऊपर हम लेप लगा देंगे। थोड़ी सी चटनी भी जो है आप उसके ऊपर डालें ताकि उसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बनाना लीफ का मतलब ये है कि इसके अंदर जो फील किया हुआ मसाला होता है ना, सारे इसके अंदर ही है। फोल्ड कर रहे हैं, कोई भी घर में धागा वगैरह हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम करेले बांधते हैं, जब कीमा हाँ। भरे करेले बनाते हैं, उस तरह से आपने इसको भी जो है वो चारों कॉर्नर से इसका बॉक्स बना के इसको आपने थ्रेड के थ्रू इसको होल्ड कर लेना है, इसको सील कर देना है ताकि ये खुले ना। डन, हमारे पांच पीस हो गए, अब हम फ्राई करते हैं। जबरदस्त, अच्छा इसको हमने डीप फ्राई करना है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे और इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा देखें जी, तेल जो है वो गर्म था और उसमें हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। ओके जी, जब तक ये हो रहा है फ्राई, अच्छा फिर हमें कलर देना है। अच्छा आप देखिए किस तरह से फूल गया है। हाँ, ये फूलेगा, ये एक पॉकेट फॉर्म में आ गया है, ये फूलेगा और ये उठेगा। अच्छा, तो बहुत ज़बरदस्त है। प्लीज़ अब मैं चाहूँगी कि अगर हम दिखा सकें कि किस तरह से ये फूल रहा है, कि ये ना हो घर में जब लोग बना रहे हो तो परेशान हो जाएं कि यार ये फट ना जाए। अब तो ये फटेगा नहीं, परेशान नहीं होना आपने। ये देखें बिल्कुल एक पॉकेट से बन गए हैं, एक स्पून से उठा के दिखाइएगा प्लीज़। ये देखें बिल्कुल एक बॉक्स पॉकेट शेप में आ गया है ये। चलें जनाब, जब तक जो है हमारी फ़िश फ्राई हो रही है और मटन हांडी पे जो है वो लग रहा है दम, आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रीकैप, क्योंकि ये रेसिपी आपने मिस नहीं करनी। मटन लजीज हैदराबादी हांडी। अज्जा, ऑयल 150 ग्राम, प्याज 2 अदद, घी 150 ग्राम, मटन 1 किलो, टमाटर 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच,
कश्मीरी मिर्च छोटी 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका, टमाटर का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, दही 1 कप, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, क्रीम 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 चाय का चम्मच। तरकीब, एक पतीली में ऑयल और घी डालकर गरम कर लें। इसमें प्याज डालकर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक तलें। इसके साथ ही इसमें 1 किलो मटन गोश्त शामिल करें। ऊपर से टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, नमक शामिल करें और 10 मिनट तक छोड़ दें। फिर इसके बाद टमाटर का पेस्ट डाल दें, दही शामिल करके गरम मसाला पाउडर डाल दें, अच्छी तरह भून लें। आखिर में क्रीम और गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। हसबे ज़रूरत नींबू का रस ऐड करें और भून लें। 10 मिनट तक के लिए छोड़ दें, फिर डिश आउट करके सर्व करें। फ़िश बनाना लीफ अज्जा, फ़िश 400 ग्राम, धनिया 4 गट्ठी, पुदीना 1/2 गट्ठी, हरी मिर्च 6 अदद, लहसुन 3 अदद, खोपरा 150 ग्राम, नींबू का रस 2 चाय के चम्मच, मैदा 1 कप, अंडा 1 अदद, इमली का पानी 1 चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका, बनाना लीफ 6 अदद। तरकीब, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, लहसुन और खोपरा एक ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। अब इसमें मैदा डालकर मिक्स करें। इसमें 1 अदद अंडा और इमली का पानी और नींबू का रस और नमक हसबे जायका शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। केले के पत्तों को हल्का सा गर्म कर लें, फिर फिश को केले के पत्ते पर रख कर इसको बंद कर दें और फिर एक फ्राई पैन में तेल डालकर इसमें फ्राई कर लें और सर्व करें। रेसिपी कार्ड आई एम श्योर आप लोग नोट कर चुके होंगे, ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। देखिए मटन भी इतनी जल्दी गल गया, बातें करते हुए शो पे हमने मटन को जो है वो कुक होने रख दिया था, मटन भी गल गया और साथ में जो है ये हमारी बनाना लीफ फिश है वो भी तैयार हो चुकी है। और मैं आपसे कहूँगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपकी बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। ऑलराइट जी, इसी के साथ ही थैंक यू सो मच शेफ, आपने बहुत यूनिक रेसिपीज जो है वो हमारे साथ शेयर की। थैंक यू, अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स कि आप हमारा शो इतना पसंद कर रहे हैं। और आप हमें बताइएगा ये रेसिपी घर पे बना के कि रेसिपी आपको कैसी लगी, हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो हमें टैग भी कीजिएगा बना के कि जो रेसिपीज़ हम आपको यहाँ सिखाते हैं वो आपने कैसे बनाई, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी हुई और आपकी फैमिली को कैसी लगी। इसी के साथ ही लूँगी आज के शो के लिए आपसे इजाज़त, फिर मिलूँगी आपसे एक नए एपिसोड और नई रेसिपी के साथ रवायतों की लज्जत में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।